गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर थ्री द फ्रेजिज एंड द क्लोज ओके क्या होते हैं देखिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंस ये सेंटेंस पढ़िए दिस इज द हाउस ऑफ रवि एंड दिस इज द हाउस दैट रवि आउंस ओके ये दो सेंटेंस आपको गिवन है अब देखिए इनका डिस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ रवि हैज नीदर अ सब्जेक्ट नॉर अ फाइनाइट वर्ब जो पहला सेंटेंस है कि दिस इज़ द हाउस ऑफ रवि उसमें जो ऑफ रवि है इसका ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है ठीक है मोर ओवर इट डज़ नॉट मेक कंप्लीट सेंस और ये क्या कोई सेंस भी नहीं बना रहे हैं दो वर्ड्स की ऑफ़ रवि इनका कोई मतलब निकलता है नहीं तो ये क्या कहलाते हैं फ्रेज ओके फ्रेज की डेफिनेशन देखिए अब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज नीदर अ सब्जेक्ट नोर अ फाइनाइट वर्ब एंड विच इन इट्सल्फ डज नॉट मेक कम्प्लीट सेंस फ्रेज किसी भी सेंटेंस में वो पार्ट होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता और कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होता है ओके okay? और उनका कुछ मतलब भी नहीं निकलता ये केवल एक वाक्य का एक अंश होते हैं ठीक है ठीके? अब देखिए सेकेंड सेंटेंस में दिस इज़ द हाउस डेट रवि आउंस यहाँ पर क्या है कि रवि आउंस रवि आउंस इसमें एक सब्जेक्ट है क्या कि रवि है न और एंड फाइनाइट वर्क एक वर्ग भी है आउंस तो ये क्या कहलाया आपका क्लोज ठीक है फ्रेस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है कोई वर्क नहीं होती है और इसमें आपकी क्लोज में वर्क भी होती है और आपका सब्जेक्ट भी होता है ठीक है जैसे कि ही वेंट इन द इवनिंग तो ये क्या है आपका फ्रेज ही वेंट वेन द इवनिंग फेल ये आपका क्या हो गया क्लोज ओके okay? क्योंकि यहाँ पर फेल जो है वो आपकी वर्ब है ठीक है द बर्ड चेर एट सनराइज ये आपका फ्रेज है और द बर्ड चेयर वैन द सन राइज क्लोज है ठीक है तो इसमें फ्रेज एंड क्लोज के कुछ टाइप्स होते हैं इन दोनों को ही हम थ्री कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं ठीक है बांटते हैं फ्रेज को भी हम नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज ऐसी आपके क्लोज में नाउन क्लोज एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज दो टाइप्स होते हैं ओके तो अभी आप ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम इनको आगे डिफाइन करेंगे ओके okay क्लास अभी देखिए आपको क्या करना है नोटबुक में अपनी आपको फ्रेज की डेफिनेशन लिखनी है जो भी हमने पढ़ी थी और आपको फिर क्लोज की डेफिनेशन लिखनी है इस तरह से और द फ्रेज एंड द क्लोज आर क्लासीफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज कि इनको तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है आपको इस तरह से लिखना है इनके नेम्स ओके क्लास गुड बाय